एक्सरसाइज 54 का क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग के सामने, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कपिल साइकल्स इतना किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड इतना किलोमीटर इन द इवनिंग एवरी डे। कपिल साइकिल चलाता है सुबह में इतना किलोमीटर और शाम में इतना किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस डज ही साइकिल एवरी डे, तो फिर वह सुबह और शाम मिला के कितना किलोमीटर वो साइकिल चलाता है, तो इसको ऐड करना होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कपिल साइकल्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जितना चलाता है उतना लिख लेते हैं। कपिल साइकल्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो कितना किलोमीटर चलाता है, इक्वल टू मॉर्निंग में दिया हुआ है 4.385 किलोमीटर। एंड यहाँ पे फिर इवनिंग का दिखाना है, कपिल साइकल्स इन द इवनिंग, इवनिंग में वो कितना चलाता है, इक्वल टू इवनिंग का दिया हुआ है 3.806 किलोमीटर। तो फिर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 4.385 और 3.806, ऐड कर दिया यहाँ पे 5611 हो गया और यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 819 हो गया, 8311 फिर 1 हो गया, 1 बचा हुआ है 437 और 18 हो गया, तो इतना किलोमीटर हो जाएगा, इतना किलोमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन 15 बचा हुआ है। एक्सरसाइज 54 का क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग के पास, और इसमें क्या दिया हुआ है, टीना वॉक्स इतना किलोमीटर फ्रॉम हर होम, टीना अपने घर से इतना किलोमीटर चलती है, देन टैक्स ए बस फॉर इतना किलोमीटर बिफोर, और फिर उसके बाद इतना किलोमीटर आगे चलने के लिए वो एक बस ले लेती है, मतलब एक बस से ट्रेवल करती है। सी ट्रेवल बाय ट्रेन इतना किलोमीटर टू रीच मुंबई, और फिर वो एक ट्रेन से इतना यात्रा करती है तब जाके वो मुंबई पहुँचती है। हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम हर होम, तो फिर उसके घर से मुंबई कितनी दूर है, तो यहाँ पे पहले इतना चलती है फिर इतना चलती है और इतना, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि मुंबई उसके घर से कितना दूर है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें जो चीज़ें दिया गया है उसको मैंने लिख लिया है, टीना वॉक्स ऑन फुट, मतलब वो पैदल चलती है, पैदल कितना चलती है 1.5 किलोमीटर, और ट्रेवल बाय बस मतलब वो बस से ट्रेवल करती, कितना करती है तो 14.975 किलोमीटर। उसके बाद ट्रेवल्स बाय ट्रेन, और फिर वो ट्रेन से ट्रेवल करती है तो कितना करती है 48.090 किलोमीटर। अब यहाँ पे मुंबई से उसके घर की दूरी कितनी है वो टोटल इसको हम लोग ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 16 हो गया, तो 16 का 6 हो गया, 1 बच गया है तो 14 और 1 15 हो गया, 15 1 अभी बचा हुआ है, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पे 13 हो रहा है, 12 और 1 13 और हाथ वाला 14 हो गया, 1 बचा हुआ है, यहाँ 4 और 1 5 और हाथ वाला एक 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया, मतलब इतना किलोमीटर उसके घर से मुंबई की दूरी है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 54 भी कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।